कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को क्या करना है, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है और वोल्टेज मेजर करवानी है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। अब हाई रेजिस्टेंस हो जाता है, क्यों होता है बताता हूँ। यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मैं ना प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि हुआ क्या। एक्चुअल में सपोज करो, एक मिनट के लिए मैंने आपको कहा कि देखो ये एक रेजिस्टेंस है, आपने कहा ठीक है। मैंने आपसे ये पूछा कि अगर ये रेजिस्टेंस है और इसमें करंट जा रहा है आई, मान लो इसमें करंट क्या जा रहा है आई, तो आपने पूछा सर कितना करंट है, मैंने कहा मुझे नहीं पता कितना करंट है। तो आपने मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा ये भी मैं नहीं बताऊंगा कितने रेजिस्टेंस है। तो मैंने पूछा वोल्ट बताओ इसमें कितने हैं, वी बताओ इसमें, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। आपको क्या कमाल है, ना तो करंट बता रहे हो ना आर बता रहे हो, बताऊँ कैसे। आपके पास एक तरीका है, वो क्या, यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पुराना पोटेंशियोमीटर लेके आओ इलेक्ट्रिसिटी का, याद है, इसके साथ पैरेलल में लगा दो पोटेंशियोमीटर, बैलेंस करो और वी की वैल्यू हम कैलकुलेट पहले भी करते आए हैं। अब आपके पास एक और तरीका है जिसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। तो आप सिंपली एक काम करो, आप वोल्ट मीटर लेके आओ, वोल्ट मीटर की जो वायर है ये लगाओ वोल्ट मीटर इसके साथ किसमें, पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर को आप इसमें पैरेलल में लगाओ कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाओ। आप यहां से रीडिंग नहीं मेजर कर पा रहे, पर आप यहां से तो कर सकते हो। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर्स का निकाल दो तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस का भी आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, यहां तक नीचे का तो निकाल नहीं पा रहे, ऊपर का तो निकाल लें। अब ये वोल्ट मीटर के अंदर लगा क्या हुआ है इसको देख लो। वोल्ट मीटर के अंदर, वोल्ट मीटर के अंदर एक बहुत हाई रेजिस्टेंस, एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस लगी हुई है गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में, ऐसे ऐसे लगी हुई है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये कैसे हाई रेजिस्टेंस क्यों। देखो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो यहां जितना भी करंट आए इनटू रेजिस्टेंस आर का मल्टीप्लीकेशन, सिंपल है। आपने एक बहुत हाई रेजिस्टेंस यहां लगा दी, आई करंट आया। अगर मैं आपका कुछ करंट यहां से ले जाऊं तो फिर मेजर क्या करोगे, आपकी वोल्टेज तो ऑटोमेटिकली कम ही हो जाएगी ना। तो आपसे मुझे बहुत कम करंट चाहिए। अब मैं एक बिल्कुल करंट ना लूँ ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत करंट तो लूंगा अपनी कैलकुलेशन के लिए, और मैं चाहता हूँ कम से कम करंट लूँ। तो मैं इसमें इतनी इतनी हाई रेजिस्टेंस लगा दूंगा, यहाँ पर आर की वैल्यू इज वेरी वेरी हाई, बहुत ही हाई है। तो आर की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, बहुत हाई है। क्यों, क्योंकि जब करंट आएगा इसमें करंट ब्रांच में बहुत कम जाएगा, क्योंकि रास्ते में रेजिस्टेंस बहुत हाई है। कितना जाएगा, आईजी जाएगा, उतना जाएगा जितना गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है। मान लो 0.001 मिली एम्पियर, इतना तो मेजर कर ही देगा, ना मात्र करंट है, बाकी सारा इसी में से जाएगा। तो अगर मेरे को ये करंट कोई बता दे कितना करंट है, तो मैं क्या करूंगा, इस करंट को आर से मल्टीप्लाई करूंगा वोल्टेज आ जाएगी, इसी करंट को जी से मल्टीप्लाई करूंगा वोल्टेज आ जाएगी, तो टोटल वोल्टेज ऊपर निकाल दूंगा, यही वोल्टेज का आंसर नीचे भी होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, कैसे कन्वर्ट किया गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में, बाय कनेक्टिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। क्या ये पॉइंट क्लियर है, बहुत हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देंगे तो वोल्टमीटर हो जाएगा। अब याद करो कि मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोला करता था कि एक आइडल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, मतलब उसके साथ जो रेजिस्टेंस लगी हुई है उसकी वैल्यू बहुत 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 हाई होती है। क्लियर है यहां तक, क्यों होती है हाई। अगर ये हाई ना हो आपका कुछ करंट चुरा के ले जाएगा ऊपर, फिर आप मत कहना कि सर करंट आपने कम कर दिया इन टू आर में तो वोल्टेज कम हो गई। तो ऑब्वियसली आप मिनिमम करंट लेना चाहोगे ताकि इसकी वोल्टेज सही आए। अब वोल्ट मीटर जो है ना वो एक्यूरेट कभी वैल्यू देता नहीं है। एक तो उसमें गैल्वेनोमीटर की सुई लगी हुई है जो हिलती रहती है, तो एक अप्रोक्सीमेट करंट देता है। दूसरा, आपसे कुछ करंट तो ले गया ना ये, तो आपकी वोल्टेज की वैल्यू कुछ तो डिक्रीज करके देगा ये। सारा करंट तो इसमें नहीं गया ना, कुछ करंट वहां से ले गया वो, तो ये एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट वैल्यू देता है। क्लियर है यहां तक। तो जब बुक्स है ना, बुक्स के अंदर वोल्ट मीटर बस ये बनाती हैं
वो कहती हैं ये एक वोल्टमीटर है बस, दिस इज वोल्टमीटर, पर यूज करने के लिए आपको नीचे का डायग्राम जरूरी है, अदरवाइज इसकी नीड नहीं है। बुक्स भी गलत नहीं है क्योंकि वोल्टमीटर में इसकी वोल्टमीटर का पार्ट ही नहीं है, वोल्टमीटर तो बस ये है। तो इसलिए आपकी किताबों में यही डायग्राम बना हुआ है। तो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस आर इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, राइट। तो ये डायग्राम है नीचे, चलो ये मुझे चाहिए नहीं नीचे का डायग्राम ऐसे, बस मुझे ऊपर चाहिए। इसमें आई जी करंट आएगा, आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर, ये रहा वी, वी आ गया, सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से रेजिस्टेंस आ गई। फॉर्मूला नोट करो रेजिस्टेंस का, वी अपॉन आई जी माइनस जी, ये आएगा पेपर में। इसमें फॉर्मूला नोट करो रेजिस्टेंस का, तो अब आपके पास अगर कोई बंदा आए और वो कहे जी मेरे पास तो गैल्वेनोमीटर है छोटा सा जो छोटा करंट मेजर करता है, मैं क्या करूं, बड़ा करंट मेजर करना है, क्या सजेशन दोगे? भाई तो शंट लगा लियो पैरेलल में। वो पूछेगा शंट की वैल्यू क्या है, शंट की वैल्यू बोल देना तो इतनी लगा लियो आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास एक और स्टूडेंट कहा जी मेरे पास अगेन एक गैल्वेनोमीटर है, मुझे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूं, वोल्ट मीटर जो हाई वोल्टेज मेजर करे, तो क्या सजेशन दोगे? हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा ले वोल्ट गैल्वेनोमीटर के। पूछेगा आर की वैल्यू क्या है, बोल देना ये वैल्यू है, राइट। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसी बातें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं। सजेस्ट अ मेथड, वो कहेगा सजेस्ट करो कि मेरे पास गैल्वेनोमीटर है मुझे एमीटर बनाना है, वो ये नहीं कहेगा शंट निकाल के दो। आप सजेशन दोगे भाई तो शंट लगा लियो इतनी वैल्यू के साथ, वो कहेगा कि वोल्ट मीटर बनाना है तो रेजिस्टेंस आर लगा लो हाई रेजिस्टेंस, ये आपको सजेशन देना है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, हम एम मीटर में शंट की वैल्यू को लो क्यों रखते हैं? तो क्वेश्चन है ताकि ज्यादा करंट उसमें से जाए, गैल्वेनोमीटर में से कम करंट जाए, ताकि क्योंकि गैल्वेनोमीटर कम करंट को मेजर कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन, हम वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस आर को सीरीज में क्यों रखते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि उसमें कम करंट जाए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर कम करंट मेजर करता है, इसलिए हाई रेजिस्टेंस को सीरीज। दोनों का आंसर सेम है, क्योंकि हर बार करंट किस में से मेजर करवाना है, गैल्वेनोमीटर में से, और उसने कम ही करंट मेजर करना है। आंसर दोनों में सेम रहेगा।